बिहार सरकार ने 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग का बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन पुरानी व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। बिहार के अधिकतर सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इसे लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई। राज्य सरकार ने कुल बजट का 16.5% खर्च शिक्षा पर करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें पुरानी व्यवस्था में संसाधनों और भवनों को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार ने 39,191.87 करोड़ रुपए शिक्षा के मद में दिया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे महज खानापूर्ति बता रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि शिक्षा विभाग की पोल कोरोना काल में ही खुली है, स्कूलों को ऑनलाइन करते ही पूरी व्यवस्था ठप हो गई। सरकार को इस व्यवस्था को लेकर कोई नई योजना लानी चाहिए थी, क्योंकि अब भी सरकार मानती है कि लोगों को कोरोना के साथ ही रहना होगा। इस बार के बजट में ऑनलाइन शिक्षा के स्ट्रक्चर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनाई गई। प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रतिनिधि रमेश मिश्रा का कहना है कि बजट के नाम पर बस खानापूर्ति की गई है। ऐसे समय में काफी आश्चर्य वाला बजट लाया गया है, जब कोरोना के कारण पूरी व्यवस्था फेल हुई है। कोरोना ने ये बता दिया है कि अब ऑफलाइन शिक्षा से अधिक ऑनलाइन पढ़ाई का स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, लेकिन इस व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया गया है। बजट में स्कूलों के भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई फोकस नहीं रहा है, केवल शिक्षकों की भर्ती से व्यवस्था नहीं चलेगी। इसके लिए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। कई ऐसे स्कूल के भवन हैं जहां बच्चों को पढ़ाई करने में असुविधा होती है। भवन जर्जर होने के कारण हमेशा डर होता है। सरकार को ऐसे भवनों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बड़ी योजना बनानी चाहिए थी। जर्जर भवनों और पुराने विद्यालयों के संसाधनों से ही व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के ही एक शिक्षक का कहना है कि इस बजट का सिर्फ बंदरबांट होता है। सरकार जो भी बजट लाती है उसका लाभ गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता है। सरकार ने बजट तो बढ़ाया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं क्या दी जाएंगी। बच्चों को किताब कॉपी और ड्रेस तक की समस्या है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बजट के साथ ही पूरी योजना तैयार हो, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को पंख लगाया जा सके। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने बजट तो बढ़ाया है, लेकिन हर बार यही होता है, बजट बढ़ाने के बाद भी व्यवस्था नहीं बदलती है। इस बार सरकार ने बजट तो बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे पुराने भवनों और संसाधनों की संरचना को बेहतर किया जा सके। प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर योजना है। मध्य विद्यालयों में 8,386 फिजिकल टीचर की नियुक्ति की योजना है, और राज्य में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की बात भी है। टीचरों की भर्ती से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सरकार ने बजट में ऐसी कोई योजना जाहिर नहीं की है जिससे कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी काम किया जा सके, तो ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि सरकार ने शिक्षा के मद में बजट तो पास कर दिया, इतने सारे धन दौलत की वर्षा कर दी, लेकिन जो स्थिति बिहार में सरकारी स्कूल भवनों की है, उन भवनों पर सरकार ने ध्यान आकृष्ट सदन में नहीं कराया। अब ऐसे में आने वाले दिनों में शिक्षा के मद में जो राशि दी गई है उसे खर्च कहां किया जाता है और किस हिसाब से किया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।